आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मेरे रिकॉर्ड्स में आपके हाथ 91 पुलिसमैन और 150 निर्दोष सिविलियंस के खून से रंगे हैं। जब कोर्ट मुझे आपको इंटेरोगेट करने का चार्ज देगा तब देखेंगे कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 241 मौतें या आपका ये ना बोलने का अधिकार। किस मूवी के साथ हुआ क्लैश, किस मूवी को मिलेगी अब ज्यादा स्क्रीन्स? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। फिल्म चुप हमें जल्द बड़े पर्दे पर दिखने वाली है। फिल्म की कास्ट की बात की जाए तो उसमें हमें सनी देओल, पूजा भट्ट, तलकीर सलमान एटसेट्रा। फिल्म का डायरेक्शन डायरेक्टर आर बाल्की कर रहे हैं और फिल्म इसी साल रिलीज होने की उम्मीद है। आर बाल्की की सुपरहिट फिल्म चुप जल्द हमें बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाली है। फैंस इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पर क्या फिल्म के साथ होने वाली है किसी और फिल्म का क्लैश? किसके साथ होगी फिल्म की टक्कर? चलिए आपको बताते हैं। अगर हम फिल्म की बात करें तो आर बाल्की की ये फिल्म हमें इसी साल थिएटर पर रिलीज होने वाली है। फिल्म की शूटिंग भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर पर बेस्ड होगी। फिल्म लेजेंडरी एक्टर गुरु की लाइफ पर बेस्ड होगी। हाल ही में फिल्म का मोशन पोस्टर लॉन्च किया गया है, लोगों को काफी पसंद आया था। बहुत सारे मीडिया पोर्टल और सेलिब्रिटीज ने भी पोस्टर शेयर किया था। इसके बाद जल्द अब फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। इसी बीच अब ये भी खबर आ रही है कि फिल्म का क्लैश अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के साथ हो सकता है। अब इस चीज पर कितनी सच्चाई है वो कोई नहीं जानता, ना ही किसी प्रोडक्शन हाउस ने इस न्यूज को कंफर्म किया है, पर हमें मिली जानकारी के अनुसार दोनों फिल्में आसपास ही रिलीज हो सकती हैं। किसी भी फिल्म की रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है, पर शायद हमें इन दोनों फिल्मों का क्लैश दिख सकता है। पर आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि कौन सी फिल्म को मिलेंगी ज्यादा स्क्रीन्स थिएटर पर, कौन सी फिल्म आएगी ऑडियंस को पसंद? चलिए आपको बताते हैं। अगर हम दोनों फिल्मों की बात करें तो ये दोनों फिल्में बिल्कुल अलग जॉनर की हैं, तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता और दोनों फिल्मों के एक्टर्स की भी मेन ऑडियंस दिखती है। अगर किसी प्रोडक्शन हाउस को लगा तो शायद फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा सकता है, जिससे फिल्म का क्लैश ना हो और फिल्म सुपरहिट हो, क्योंकि कोई भी अपनी फिल्म के साथ रिस्क नहीं लेना चाहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों फिल्में थिएटर पर सुपरहिट हो। किस फिल्म को देखने के लिए आप एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। ऐसे ही बॉलीवुड की चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।